टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्या 5, 10 और 100 के पुराने नोट होंगे बंद? मुंबई में किसान आंदोलन में पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की, और कहाँ हुआ सिलेंडर ब्लास्ट? ईरानी गैंग के चैन स्नेचर कैसे हुआ गिरफ्तार? भारतीय और चीनी सेना में हुई झड़प, ये सब खबरें देखिए हमारे टॉप 5 में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 5, 10 और 100 के पुराने नोटों को लेकर। RBI ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि आने वाले समय में 100, 10, 5 रुपए के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। RBI ने कहा है कि खबरों में जो दावा किया जा रहा था कि 5, 10, 100 रुपए के पुराने नोट मार्च 2021 में बंद किए जाएंगे, ये रिपोर्ट गलत है। इससे पहले भी PIB फैक्ट चेक ने इन दावों को गलत बताया था। खबरों में जानकारी दी गई थी कि RBI ने 5, 10, 100 रुपए के पुराने नोटों को मार्च 2021 में ये पुराने नोट नहीं चलेंगे। PIB फैक्ट चेक में ये दावा फर्जी पाया गया था। RBI ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की थी, यानी कि 5, 10, 100 रुपए के नोटों का चलन बंद होगा, ये दावा झूठा साबित हुआ। वहीं दिल्ली की तरह मुंबई में भी महाराष्ट्र के कोने कोने से किसान इकट्ठा होकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार द्वारा लाया गया ये कृषि कानून बिल वापस लिया जाए। मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान हुंकार भर रहे हैं और आज राजभवन की तरफ ये किसान अपना रुख कर दिए। मेट्रो सिनेमा के पास पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, देखिए ये तस्वीरें। वही दिल्ली के यूसुफ सराय में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से गेस्ट हाउस में भयानक आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर ये भी अभी जांच किया जा रहा है कि आखिर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह क्या थी। थाने पुलिस ने ईरानी गैंग के एक आरोपी फुरकान मोहम्मद इमरान अरब 20 वर्षीय को गिरफ्तार किया है, जो थाने मुंबई उल्लासनगर के कई इलाकों में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 10 मंगलसूत्र, 3 मोटरसाइकिल जब्त किया है। पुलिस आरोपी से इसके गैंग के बारे में पूछताछ कर रही है। भारतीय सेना ने सिक्किम में चीन सेना के बीच झड़प की पुष्टि की है। सिक्किम के नाकुला में भारत चीन सीमा के नज़दीक नाकुला में ये झड़प हुई है। 20 जनवरी को हुई इस झड़प में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में ये झड़प हुई थी। मामला स्थानीय कमांडरों ने नियमों के मुताबिक सुलझा लिया है, मगर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें छपी हैं उनमें कहा गया है कि झड़प में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।